दोस्तों नमस्कार। विषय का अध्ययन करते समय हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, इस विषय पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब भी आपके टीचर हैं, गुरुजी हैं, शिक्षक हैं, जो आपको कुछ सिखा रहे होते हैं, उस समय आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए, अपने ध्यान को किस तरह विषय में लगाना चाहिए, इस विषय पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप घर से पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, लेकिन जब कोई विषय टीचर पढ़ा रहा होता है, उस समय विषय को किस तरह से सीखना है, ये भी एक कला है और ये भी बहुत अच्छी जानकारी है जो आपके जीवन को विकास की ओर ले जाती है। हम उस विषय को किस तरह से सीख सकते हैं और या सीखना चाहिए, एक तो आपके पास उसका नोट्स होना चाहिए, विषय की पहले से कुछ जानकारी होना चाहिए, और आप जो सीख रहे हैं उसको किस तरह से आप नोट कर रहे हैं, आपके लिए कहाँ कठिनाई है उसको आप लिखते जाएं, सुनते जाएं, समझते जाएं। जब आपको विषय सब अध्ययन होने के बाद आपको कहाँ समझ में नहीं आया है, वो चीज़ को आप लिख कर के रखें और दूसरे दिन या शिक्षण सत्र समाप्त होने के बाद शिक्षक से समय लेकर के पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। और कहते हैं शिक्षा में जो डरा वो गधा, जो नहीं डरा वो होशियार। यदि बच्चे कुछ सीखते हैं, पढ़ते हैं और शिक्षक से पूछने में डरते हैं, घबराते हैं, वो बच्चे गधे होते हैं। वो कभी भी आगे बढ़ने से हिचकते हैं, वो अपने सीखने की जो समय है उसको गंवाते हैं। तो मेरा कहना ये है कि आप यदि टीचर से डरेंगे, घबराएंगे, तो निश्चित रूप से आप अपनी शिक्षा को पीछे कर रहे हैं, वह आपके जीवन के विकास को रोक रहे हैं। आप कभी भी सीखने में किसी भी तरह से सकुचाना नहीं है, डरना नहीं है, और टीचर कभी भी बच्चों को डराने की कोशिश नहीं करते। वो हमेशा चाहते हैं कि हमसे यदि कोई बच्चा पूछता है तो हमको खुशी होती है, ये टीचर के आंतरिक विचार होते हैं। इसलिए कुछ ना कुछ अपनी समस्याओं को भी टीचर से आप साझा कर सकते हैं। पहले गुरु माता पिता होते हैं, दूसरे गुरु टीचर होते हैं। टीचर में माता पिता दोनों समाहित होते हैं, यदि आप मानते हैं तो, लेकिन हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है। यदि आप अच्छे मन से मानते हो कि ये हमारे गुरु हैं और इनसे हम अपने मन की बात कह सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हैं, आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। तो इसीलिए गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ गाठे कोट, अंतर हाथ सहारे दे बाहर मारे चोट। गुरु एक देवता भी है, गुरु भगवान से मिलाने का मार्ग है, और गुरु से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं ना हो सकता है। इसलिए गुरु आपका सब कुछ है, आप गुरु को माने, गुरु के चरण में जाए, गुरु के चरण छुएं। गुरु एक आदर्श, गुरु का स्थान कोई नहीं ले सकता। सीखने में सबसे बड़ी भूमिका गुरु की होती है, और सीखिए, पढ़िए, तो आपका विकास निश्चित रूप से होगा। दोस्तों नमस्ते।